प्रथम वार्ड नंबर 43 की हॉट सीट पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की टक्कर एक किसान गरीब मजदूर के बेटे अनिल गरीबा ने बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दी है। अनिल कुमार यादव का कहना है कि जनता ने मुझे इतना सपोर्ट और सम्मान दिया है, इसके लिए जनता का कर्ज नहीं चुका सकता, आजीवन जनता का ऋणी रहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का छोटा सा बच्चा 4150 वोटों से और अर्चना को कुल 3600 वोट थे। अर्चना ने अपनी दबंगी दिखाकर अनिल गरीबा को वोट अपनी तरफ रखवा कर खुद को विजय घोषित करती हुई चले गई और पुष्पा देवी पुत्र अनिल गरीबा की किसी ने सहायता भी नहीं की। फिर भी अनिल गरीबा ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया है, छल किया गया है, मेरे साथ बेईमानी की गई है, घोटाला हुआ है। वार्ड नंबर 43, या तो मुझे न्याय मिले अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। उनका कहना है कि दोबारा से गिनती होनी चाहिए क्योंकि अर्चना के कुल 3600 वोट थे और मेरे 4150। मुझे न्याय दिलाया जाए, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करने को तैयार हूं। अनिल ने यह भी बताया कि मेरे साथ धोखा किया गया है, घोटाला हुआ है। नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। वार्ड नंबर 43 के समस्त क्षेत्रीय जनता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहने एवं नौजवान साथी, सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना वोट दिया, सपोर्ट किया और इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपके सम्मान को कभी भुला नहीं सकता और आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। आपका बेटा अनिल कुमार गरीबा। मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 43 पर ये जो मेरी हार हुई है, ये हार नहीं है, मुझे जबरदस्ती हराया गया है। मैं 4100 वोटों से वोट मत मिले हुए थे मुझे 4150, लेकिन उस समय अर्चना बहन जी 3616 वोटों पे थी। मैं इनसे आगे चल रहा था, लोगों ने बेईमानी की मेरी, मुझे गुमराह किया, घोटाला किया मेरे वार्ड पर, लेकिन मैंने इसकी शिकायत एसडीएम महोदय ने की, एआरए साहब से की, उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, फिर भी कोई सुनवाई ना हुई। साथियों, मैं वार्ड नंबर 43 के समस्त क्षेत्रीय जनता को धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, मान सम्मान, सपोर्ट और वोट देने के लिए।